तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये वाइगोंग कहता है कि सुनो मेरी बात यार, मुझे मालूम है कि मर्डर किसने किया है, लेकिन जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं बाकियों को किसी को नहीं बताऊंगा। खाली राजा को अकेले में बताता है और अकेले में बता के निकल जाता है। तभी ना एक मिनिस्टर आता है जो वॉर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर यहाँ पे था, वो कहता बता ना भाई किसने मर्डर यहाँ पे किया है। जो सुंदर ये कहता है कि बिल्कुल ना, जब तक क्लियर ना हो जाऊँ कन्फर्म ना हो जाऊँ मैं बिल्कुल बताने वाले नहीं हूँ। राजा को बता दिया, राजा को लगे सही तो राजा खुद ही बता देंगे, राजा ने भी नहीं बताया यानी ये बिल्कुल भी मौका ठीक नहीं है, गुड बाय। इतना बोल के निकल जाता है। ये लोग देखते हैं शिट यार इसने तो यहाँ पे बताया ही नहीं था। जो लियू यहाँ पे था, लियू नाम का यूज उससे फोर्स किया जाता, बताओ यार तू मेरा वाइगोंग के सबसे क्लोज यहाँ पर हो तो वाइगोंग ने शायद तुमको यहाँ पे बताया ही होगा। जो सुन वो भी कहता नहीं यार मुझे भी नहीं मालूम कौन यहाँ पर है, लेकिन मैं तुझे एक बात लिख के बोल सकता हूँ कि मर्डरर यहाँ पे कौन है, इसको खुद यहाँ पे अकेले मालूम नहीं चला। जो शाओक्वेन है ना, शाओक्वेन ने पता करके बताया होगा, इसने जो भी बातें राजा को बताई वो सारी बातें शाओक्वेन ने पहले इसको बताई और इसने राजा को बताया। ये लोग कहते हैं शाओक्वेन, हाँ वही बंदा ना जो ये केस नाइट वॉचर्स की ओर से सॉल्व किया जा रहा है। अब आते हैं शाओक्वेन की ओर, जो कि वो फीमेल नेचर टीचर से मिल के आया था और अभी भी एकदम दीवाना बना हुआ था कि अरे बाप रे क्या लड़की थी भाई, देख के दिल के धड़कन जो धक 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 यहाँ पे कर रही थी ना, क्या बताऊँ ऐसा लगता है आसमान से आई हुई कोई परी वरी यहाँ पे लगती है। और सुनो यार अभी के लिए ये जो किंग यू है ना उनके पास यहाँ पे जाना है। अरे किंग यू अपने राजा का छोटा भाई यहाँ पर है, अरे जिसकी बेटी प्रिंसेस यांग, प्रिंसेस पिंग यान भाग चुकी थी मॉन्ग के साथ। मैंने बोला था शायद ये जो किंग है ना मर गया, ये मरा नहीं है क्या ना, बेटी के भागने के बाद आई मीन गायब होने के बाद ना सदमे में चला गया था, तो मुझे लगा शायद सदमे में मर गया होगा लेकिन मरा नहीं था, वो जिंदा यहाँ पे था। और अभी के लिए शाओक्वेन उसी से पूछताछ करना चाहता था, अगर पूछताछ करूंगा हाँ तो भी वो मॉन्ग और इनकी बेटी के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन था, भागने एंड में क्यों पड़ा, शादी के लिए तैयार नहीं थे क्या, वो आइडिया लग जाएगा। हो सकता है मुझे मॉन्ग के लोकेशन के बारे में भी आइडिया लग जाए और उसके बाद ना रात को जी लियान से मिलूंगा दवाई देने के लिए और जी लियान से ना पूछ लूंगा फीमेल नेचर टीचर के बारे में। अरे कमाल की लगी यार, बहुत ही कमाल की मुझे यहाँ पे लगी। तो ये घर के बाहर आता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये केस सॉल्व चालू है, मैं उसका इंचार्ज यहाँ पर हूँ और जल्दी से किंग यू को बुला लो। तो किंग यू को मैसेज दिया जाता है तो वो भी कहता है ओके ठीक है अंदर आ जाओ। तो शाओक्वेन अंदर जाता है और देखता है ओके तो ये है राजा के छोटे भाई और कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, इनकी जो उम्र है ना 40 से 45 साल की होगी लेकिन देखने पर ना ये राजा से ज्यादा बूढ़े यहाँ पे लगते, क्योंकि राजा को हमको मालूम है कल्टिवेशन करता है, वहाँ तक उसके बेटे लोग भी जलते कि अब जान बूढ़े होने को आ चुके, उनके बाल अभी तक काले के काले हमारे यहाँ पे सफेद। फिर सामने से जो किंग यू था ना वो पूछता हमारे मैकडे से, बोलो यार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो। हमारा मैकडे कहता है शाओक्वेन मेरा नाम है, क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना। मनी मन सोचता है जो केस है ना, केस हमारे सिटी में बहुत ज्यादा ना आग की तेजी से फैले जा रही है, तो बच्चे बच्चों को भी केस के बारे में आइडिया है, बहुत लोगों ने मेरा नाम सुना है तो शायद इन्होंने भी मेरा नाम सुना ही होगा। तो किंग यू कहता है शाओक्वेन नाम सुना सुना है यहाँ पे लग रहा है लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद यहाँ पे नहीं आ रहा, बोलो क्या काम है और क्यों यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैंने तो अपना काम धंधा ज्यादा कर छोड़ ही दिया, बाहर क्या चालू है क्या नहीं चालू है मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। शाओक्वेन समझ जाता बेटी के गायब होने के बाद नाम जाहिर सी बात है कोई भी बाप नाम ऐसा सदमे में आ जाएगा, तो बताना चालू करता है कि जो केस है ना मैं केस यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो केस में एक मॉन्ग के बारे में आइडिया यहाँ पे लगा है, जो मॉन्ग के ना भाग चुका है और उसके पास से कमाल का आर्टिफैक्ट है और किसी लड़की के साथ यहाँ पे भागा है, और जो लड़की यहाँ पर ना बड़ी स्पेशल यहाँ पर है, डायरेक्ट सिटी से भागने की कोशिश करती एक्सपोज हो जाती, इसके लिए आर्टिफैक्ट लेके भागा, जो आर्टिफैक्ट नाम उस लड़की का और छुपाने के लिए काम आएगा। जो मॉन्ग के ना हैंग हुई उसका नाम यहाँ पर है, आप पक्का उसको नहीं जानते होंगे लेकिन जो लड़की है ना लड़की को आप जानते हैं क्योंकि लड़की आपकी बेटी यहाँ पर है पिंग यान। तो जैसे ये नाम सुनता ना बाप वो भी जोर से चिल्लाता, वो कहता भी वो मेरी मेरी प्याली लाडली संस्कारी बेटी है, वो कभी भी किसी मॉन्ग के साथ यहाँ पे नहीं भागेगी, बकवास यहाँ पे बनकर शादी हो आओ और इसको पकड़ के लेके जाओ। तो शाओक्वेन समझ जाता कि तुम किसी बाप को उनकी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताओगे तो उनको गुस्सा तो आएगा लेकिन जो सच है वो सच है। लेकिन बाद में वो बाप शांत हो जाता और कहता मुझे मालूम था, मुझे कोई सरप्राइज यहाँ पे नहीं हुआ, वो मेरी बेटी ही थी जो भाग गई, क्या ना बहुत पहले वो आई थी और मैंने उससे बोला कि चलो यार मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, शादी करने की तुम्हारी उम्र यहाँ पे हो रखी है, उसने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों, तो उसने बोला कि एक लड़का है जिसको मैं लाइक करती हूँ, उसके अलावा किसी और के साथ शादी में नहीं करूंगी। तो मैंने भी बोला कैसे कैसे यार मैं तुम्हारा बाप हूँ, माँ बाप का काम होता है कि अपने बच्चा का शादी किसके साथ हो या ना हो वो डिसाइड करने का। तो जाहिर सी बात है मैंने बोला, वो बार बार मना की कि नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, पहले से लाइक करती हूँ मैं उसी के साथ खाली शादी यहाँ पे करूंगी। तो मुझे बड़ा गुस्सा उसके ऊपर यहाँ पर आया और गुस्से के मारे ना मैंने उसको थप्पड़ यहाँ पे जड़ दिया और जिसके बाद एकदम सैड रहने लगी और 2-3 दिन बाद
सॉन्ग अचानक से गायब भी हो गई। हमारा मेकर सोचता है कि हाँ ये मॉडर्न टाइम नहीं है जहाँ पे प्यार मोहब्बत पे पेरेंट्स अलाउ यहाँ पे कर दे, तो जाहिर सी बात है कि वेल यार ऐसी टाइम है यहाँ पे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है और माँ बाप है ना जल्दी से अलाउ नहीं करते, और राजा रानी की बेटियों को तो और बिल्कुल भी अलाउ यहाँ पे नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अलाउ यहाँ पे नहीं किया। बाप बताना चालू करता है कि हाँ जैसे मैंने मना किया बाद में गायब हो गई, और तो मैं बाद में ना धीरे धीरे बड़ा सैड यहाँ पे होने लगा, मेरे को अपने ऊपर रिग्रेट होने लगा कि जब उसने शादी के लिए बोला कि उसको अपने मनपसंद के लड़के साथ शादी करनी है, मैंने मना कर दिया कि ऐसा करने से नाम बदनाम होगा, तो किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, मैं तो चाहता हूँ बस मेरी बेटी वापस आ जाए, उसको जिसके साथ जहाँ शादी करना है ना मैं यहाँ पे करवा दूंगा, बस मैं हमेशा घर पे इंतजार करता रहता हूँ कि कभी आए और आते कहे पापा देखो मैं आ गई। लेकिन यार मुझे इतने टाइम हो गए उस बेचारी की आवाज़ सुनने का भी मौका नहीं मिला है। हमारा मैं कटर सोचता कि शायद वो कभी जिंदा बच के वापस आ भी नहीं सकती है। उसका जो बॉयफ्रेंड यानी जो मॉन्क यहाँ पे था, उस मॉन्क ने जो बोला था कि मैं मरने के बाद ना नर्क से वापस आ चूंगा तुझे मारने के लिए, जब वो बेटों को मार रहा था, यानी शोर भाई ये बंदा बड़ा अजीब है मॉन्क, और शायद ये मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। जब इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो बेटी के भी हाईली चांसेस है कि वो मारी जा चुकी रहेगी। वो कहता भी क्योंकि वो सुनो ना मैं आपकी बेटी के बारे में बताने के लिए नहीं बल्कि मैं तो तू भी आ गया तो कहता हाँ तू बात कर रहा था ना तुझे मालूम है क्या मेरी बेटी कहाँ पर है कैसी है अगर ये तो भाई मुझे मिलवा दे, तो भी शांत हो जाता हूँ कहता सॉरी यार थोड़ा बेटी का नाम सुन के गुस्से में आ गया था, रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको कुछ मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ पर है कैसी है मुझे बता दोगे मिलवा दोगे ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान यहाँ पर होगा, मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ बस मुझे मेरी बेटी से। हमारा मैं कहता है आपकी जो बेटी है ना आपकी बेटी को केस को लेकर मैं यहाँ पे नहीं आया था, पी हुआ नाम का जो आदमी है ना उसका मर्डर हो चुका है आप तो उसको जानते ही होंगे। ये भी कहता है यस ऐसे मैं जानता हूँ लेकिन मर्डर हो चुका है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। शव क्वेन कहता है यस हो चुका है उसका प्लस उसके पूरे परिवार का, वो कैसा बंदा था आपको मालूम है क्या। ये भी कहता है बंदा बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं था, बाकी लोग ज़्यादा बात मानता ही नहीं था, जो भी बड़े बड़े फैमिली रॉयल फैमिली के मेम्बर्स ना उस समय उंगली यहाँ पे करता रहता था, उसके मरने के बाद तो बहुत ही लोग यहाँ पे खुश होते रहेंगे। हमारा मैं कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने ये भी यहाँ पे सुना था कि आप ही ना प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनने वाले थे, कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं तो बन जाते, उसका कुछ लफड़ा हो गया था। ये भी कहता हाँ वही बाकी लोग थे ना उन्होंने रोक दिया, एंड में जो मेरा भाई था ना यानी राजा उसने भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया नहीं बन पाया। और क्या हमारे मैं कहता है कि आप नहीं बन पाए तो आराम से घर पे बैठे हो, तो आपके घर पे बैठे रहने पे किन बंदे लोग को ज़्यादा फायदा होगा, मतलब कौन है जो कि आपसे ज़्यादा जलता है जो खुश है कि आप बर्बाद हो गए। ये कहता है कि चीफ असिस्टेंट वांग जिसका नाम है और जो वॉर मिनिस्टर है ना जांग जिसका नाम है, ये दोनों बंदे लोग को ज़्यादा मजा आएगा मेरे घर पे बैठे रहने से। बस यार मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारा शव क्वेन कहता है कि ना ना बस इतना जान लिया बड़ी बात है शुक्रिया गुड बाय, इतना बोल के निकल जाता है। मनी मन सोचता यानी वांग और जांग ये दोनों बंदे जब ये दोनों भागे थे, ये दोनों मतलब इनकी बेटी और मॉन्क, तो हो सकता है वो भी एक प्लानिंग व्लानिंग यहाँ पर होगी और जिसके पीछे वांग या जांग का हाथ यहाँ पर होगा, किसका इन में से कोई एक का या फिर दोनों का। और एक सेकंड यार लेकिन बीच में जो डेमो लोग यहाँ पे आते हैं डेमो लोग का और इन दोनों का क्या कनेक्शन यहाँ पर है, एक सेकंड यार जैसे पिंग वांग का प्लस उसके बेटे का मौत हुआ क्योंकि उनका भी कोई ना कोई हाथ होगा और ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों का भी कोई ना कोई हाथ है, और जैसे मॉन्क ने आके उनका मर्डर कर दिया बाप बेटों का वैसे कहीं इन दोनों में से किसी का मर्डर ना हो जाए। अरे यार मुझे जितना जल्दी हो सके इन लोगों से मिलना पड़ेगा, पहले वाइगोंग से मिलना पड़ेगा। हेलो वाइगोंग है क्या, नहीं वाइगोंग नहीं है क्या, कहाँ चला गया। और ये वीडियो यहीं पे खत्म, क्या लगता है इन दोनों का भी मर्डर करने के लिए मॉन्क यहाँ पे आएगा या हमारा मैं कटर बचा लेगा, उसी बचाने के चक्कर में शायद मॉन्क को पकड़ ले। देखो यार अब थोड़ा केस में और ज़्यादा मजा आने वाला है, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।